हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम उमेश है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे घर में चार लोग पॉजिटिव हो गए कोरोना से। आप जान सकते हैं कि अभी जो कोरोना चल रहा है कितना मुश्किल है लोगों को जीना। अभी सितंबर 8, 7, 8 तारीख के बाद से हमारे जो दिल्ली में केसेज हैं एकदम से पीक पे गए हैं, बढ़ गए हैं। इनफैक्ट दिल्ली पे नहीं, पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे चार चार मेंबर, हमारी टोटल फैमिली जो है वो 8 मेंबरों की है, उसमें से चार मेंबर जो है उनको कोरोना हो गया। और आज उनको कोरोना हुए हुए पॉजिटिव की रिपोर्ट आए हुए लगभग 3 दिन हो गए हैं। आज तीसरा दिन है आप कह सकते हैं। तो मेरी फैमिली में है मेरे फादर, मेरी मदर, ब्रदर, सिस्टर, उसके बाद मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। तो हम टोटल 8 मेंबर हैं। अब जिस जिसको कोरोना हुआ है उसमें है मेरा ब्रदर, मदर, फादर और मेरी छोटी बच्ची। तो मेरे फादर और मदर की जो एज है, फादर तो मेरे 63 ईयर्स के हैं और जो मदर है वो भी अराउंड 55-57 है। मेरा भाई भी अराउंड 26-27 साल का है। बट सबसे ज़्यादा मुश्किल है हमारी बेटी की, जो कि सिर्फ 2.5 साल की, 2.5 साल की हुई भी नहीं है, वो 18 तारीख को 2.5 साल की होगी, 18 सितंबर। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको घबराना नहीं है। क्योंकि जैसे मेरे मेरे घर में क्या हुआ था कि अगर घबराना नहीं है और अगर कोरोना हो जाए तो आपको दिमाग को खोल के रखना है। बिकॉज आप दिमाग खोल के रहोगे तभी आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, रास्ते दिखेंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों को बताओ कि आपको कोरोना हो गया, छुपाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना आप छुपाओगे चांसेस है कि वो बढ़ जाए और आपको रास्ते नहीं मिलेंगे उस कोरोना से लड़ने के लिए। तो मेरे तो बात ऐसी है कि मेरे ब्रदर को अराउंड 4 तारीख या 5 तारीख से बुखार था और उसको रात को बुखार होता था और दिन में एक बार, एक दो बार होता था। हालांकि मैंने उसको फर्स्ट डे ही बोला था कि टेस्ट करा ले, लेकिन फिर भी किसी तरह वो मिस आउट कर गया। और 4 दिन के बाद उसने टेस्ट कराया और टेस्ट में तब पॉजिटिव आया मेरे ब्रदर का। तो फिर मैंने अपने फादर का भी कराया तो उनका भी पॉजिटिव आया। उसके अगले दिन फिर मैंने अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का किया तो पता चला मेरी मदर और मेरी बेटी को भी कोरोना है। हालांकि जब ये चीज़ पॉजिटिव आई, न्यूज़ आई कि ये पॉजिटिव है रिपोर्ट, तो हम मेरा दिमाग जो है घूम गया था। लेकिन बाद में मैंने अपने उसको कंट्रोल किया, क्योंकि अगर आपका दिमाग कंट्रोल में तभी आपको रास्ता दिखेंगे। तो मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो है मेरी बेटी, क्योंकि वो छोटी है। और मेरे घर की अगर आपको बताऊं तो मेरे घर में 2 फ्लोर्स हैं, जिसमें एक फ्लोर पे मेरी मदर, ब्रदर और सिस्टर रहती है, दूसरी फ्लोर पे मैं रहता हूँ अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ और मेरे पापा के साथ। तो मेरे को लगा कि क्योंकि जैसे ही मेरे फादर पॉजिटिव आए उनको बोला गया कि आपको सेंटर जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप घर पर रुको। तो मैंने अपने फादर को तो सेंटर में भेज दिया, कोविड सेंटर में, सरदार पटेल सेंटर इन दिल्ली छतरपुर में। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे एक बच्चे को कोरोना है, एक को नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसको नहीं है उसको भी हो जाए। तो उसको मैं उसकी नानी के घर छोड़ के आ गया फिलहाल। उसके बाद क्या हुआ, मेरी सिस्टर ने भी पीजी ले लिया और बाहर चली गई। तो हम लोगों ने जो भी नेगेटिव वाले थे उनको बाहर निकाल दिया और पॉजिटिव वालों को भी जिसको जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया। जैसे मेरे फादर चले गए सेंटर में। अब मेरी टॉप फ्लोर पे जो है मेरी मदर और मेरा भाई है जो कि ऊपर है, आइसोलेटेड है वो हमसे, उनके ऊपर वाले फ्लैट में हमारा क्वारंटाइन का वो लग चुका है, जो गवर्नमेंट का रेड कलर का जो बैनर होता है। मेरी फ्लोर पे क्योंकि छोटी बच्ची है उसके साथ हमें रहना पड़ेगा, इसलिए मेरी बच्ची और मैं और मेरी वाइफ है। हालांकि हमको, क्योंकि हमारा शायद परसों पहला दिन था पॉजिटिव के बाद, कल एक दिन हमने बिताया और आज एक एक दिन हमने बिताया है। अब मुझे आज ही लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो जो 2 दिन का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को, कि कैसे मैंने क्या किया है और कैसे हम इस कोरोना से लड़ रहे हैं। बिकॉज मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसको समझाना, उसको मास्क पहनाना, उसको सैनिटाइज करना, वो खुद कुछ नहीं करेगी, वो सब कुछ हमें कराना पड़ेगा। बाकी मेरा ब्रदर और मदर जो है वो स्टेबल है, ऊपर हैं, वो सारी सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं और मैं ही उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे कुछ सामान बाहर से लाना है या कुछ भी है, और तब मैं उनके पास जाता हूँ। मैं उनके अंदर रूम के, मतलब उन फ्लोर के अंदर नहीं जाता, मैं बाहर से सब चीज़ करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फ्लोर पर क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई कि मेरे बच्चा वो पॉजिटिव है और दूसरा मेरी मदर भी पॉजिटिव है और बाकी दो तो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, मैं अपने बच्चे को छोड़ के आ गया नानी के घर। उसके उसके बाद तुरंत आने के बाद मैंने अपने घर को पूरा सैनिटाइज किया।
सैनिटाइज मैं कर रहा हूँ, जो सोडियम कार्बोनेट आता है, एक लिक्विड है जो कि 1 लीटर में 10 लीटर वाटर मिला के मिक्स करके आपको स्प्रे करना होता है। तो मेरे पास स्प्रे गन है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, मैं उसको यूज़ कैसे कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ। तो ये वो स्प्रे गन है जिसमें मैंने एक मेज़र केमिकल लिया है और बाकी 10 मेज़र वाटर लिया है। उसके बाद इसमें स्प्रे करने जो है थोड़ा प्रेशर बनता है और आप देखोगे कि ये स्प्रे ऐसे हो जाता है। तो ये मेरा फ्लोर है जहाँ पर मैं जो है इससे इसको लेके पूरे एरिया में जो है स्प्रे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी बेटी बैठी हुई है, वो टीवी देख रही है। एक्चुअली ये जो रूम है हमारा, ये ड्राइंग रूम है। इसी रूम को हमने अपना सेंटर बनाया है बिकॉज मैं इस रूम में रहता हूँ अभी, और मेरी बेटी और मेरी वाइफ जो है वो अंदर वाले रूम में रहते हैं। चलो मैं आपको अंदर वाला रूम दिखाता हूँ। तो ये स्प्रे जो गन है, इससे मैं घर को जो है सारे सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करता हूँ, और बेड पे, वॉल्स पे, टाइल्स पे और फ्लोर पे, बाकी जहाँ सामान रखा हुआ है, जहाँ वो टच करती है, सब जगह मैं कम से कम दिन में सुबह उठते ही मैं एक बार करता हूँ, और दिन में 8 बार कम से कम मैं इस एरिया सैनिटाइज कर रहा हूँ इससे। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगी स्प्रे गन, और ये काफ़ी यूज़फुल स्प्रे गन है बिकॉज मैं इसको पहले एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करता था, अपने पौधों में पानी देने के लिए। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो ऐसा है कि फिर वही मैं डिसइंफेक्टेंट करता हूँ 8 बारी, सुबह उठते ही मैं इस चीज़ करता हूँ, बाथरूम में, बच्चे का जो बाथरूम है वहाँ पर, उसके बेड पे, अपने सारे सर्विसेज पे करने के बाद, उसके बाद मैं ये सारा काम जो मैं करता हूँ मास्क पहन के करता हूँ बिकॉज इस रूम में मेरी वाइफ और बेटी ही सोती है। क्या करें, कोविड पॉजिटिव है लेकिन सोना पड़ेगा उसके साथ, क्योंकि तो छोटी बच्ची है। उसके बाद जब उड़ जाती है तब तक मैं गर्म पानी से, मैं तब तक नहा लेता हूँ एक बारी, और अपने कपड़े जो है चेंज कर लेता हूँ। मैं हालांकि इस रूम में आता नहीं, वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। उसके बाद मेरी वाइफ, मैं, हम सब लोग गर्म पानी से नहाते हैं, बच्चों को भी गर्म पानी से नहाते हैं, सारे कपड़े हम वॉश कर देते हैं जो हमने पहने हुए थे। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह उठ के जो है एक मेडिसिन है जो हम खाते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। सो ये कुछ मेडिसिन जो हम लोग सुबह डेली खाते हैं, जैसे ये मैंने कोरोनिल की जो है किट लाया था बाबा रामदेव की, इसमें इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ये एक बड़ी डब्बी है, ये एक छोटी डब्बी है, और एक ये कुछ ऑयल है। इस ऑयल को अगर आप, कोरोना नहीं है तो आप इस ऑयल को दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 4 ड्रॉप्स इस वाले नोज़ में, और फोर ड्रॉप्स इस वाले नोज़ के होल में डालना होता है। ये जो है छोटी वाली जो है, ये आप खाने से आधे घंटे पहले खाओ 2 टैबलेट, और ये खाने के आधे घंटे बाद 2 टैबलेट। ये वाली टैबलेट जो है कोरोनिल टैबलेट है, और ये कुछ है स्वसरी वटी। तो इसकी डोज लेने के बाद फिर मैं ये खाता हूँ, मल्टीविटामिन की एक टैबलेट है जो मैं डेली खाता हूँ, और ये एक आयुर्वेदिक नहीं होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको ये जो पांच इसकी 5 ड्रॉप मैं अपनी टंग पे डाल देता हूँ, जिससे काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग है ये, लेकिन फिर भी मुझे दी गई है बोल के ही, क्योंकि ईजी रहती है थोड़ी सी वायरस ना लगने में। उसके बाद मैं गर्म पानी का काढ़ा बनाता हूँ और उस काढ़े को पी लेता हूँ। उसके आधे घंटे बाद मैं ये चीज़ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में करते हैं, और डेली का रूटीन है हमारा ये। उसके आधे घंटे बाद हम लोग अराउंड ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट में जो हम चाय बनाते हैं, उस चाय में मैं स्पेशली, मैं पहले से ही वो चाय में वो चीज़ डालता हूँ, जैसे कि चाय में डालता हूँ मैं सौंफ, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और तेज़पत्ता, अलॉन्ग विद अदरक एंड तुलसी। तो ये चीज़ें जो 8 चीज़ें मैं हमेशा से चाय में यूज़ करता हूँ, और ये अभी जो है मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है बिकॉज़ अभी जो है कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं इसलिए। और उसके बाद मैं जब भी अपनी बच्ची को, कि मेरी बच्ची है जो मेरी गोदी में आती है, मैं उसके सेम वैसे ही जैसे पहले कोरोना से पहले हम उसके साथ बिहेव करते थे, वही सब चल रहा है, लेकिन हम लोग अपनी प्रिकॉशन ले रहे हैं। वो जहाँ जहाँ टच करती है हम उसको सैनिटाइज़ करते हैं, उस एरिया को सैनिटाइज़ करते हैं। वो छींक मार देती है, उसको हम सिखा रहे हैं अभी कि स्नीज करना है तो आपको हाथ लगाना है, लेकिन बच्ची है, वो स्नीज करने के बाद हाथ लगाती है, उसको अभी तक आया नहीं है। तो जो भी एरिया, जैसे ही वो स्नीज करती है, हम लोग फैन वैन बंद करके उस एरिया को पूरा सैनिटाइज करते हैं, स्प्रे मारते हैं उस पर, सैनिटाइज मारता हूँ, और जो सरफेस का जो डिसइनफेक्टेंट है वो भी कर देता हूँ। और मैं ध्यान रखता हूँ कि वो बच्ची मेरे सामने और वो क्या एक्टिविटी कर रही है, किसको चीज़ को टच कर रही है, वो उन सब चीज़ों को, जो भी जो टच करती है, जितनी बार भी टच करती है मैं उतनी बार सैनिटाइज करता हूँ, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ा होता तो समझ जाता, लेकिन छोटी बच्ची नहीं समझती है। और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे पास बच्ची को नहा दो, तो हमने पहले नहलाई दिया उसको,
उसके साथ बैठ जाते हैं, वो खेलती रहती है, हम टीवी देखते रहते हैं, और मास्क तो हमारे 24 घंटे बांध के रखता हूँ मैं, लेकिन जब बच्ची मेरे साथ होती है तो मैं इस मास्क के ऊपर एक अपना गमछा जो है वो भी बांध लेता हूँ, जिससे कि डबल प्रोटेक्शन हो जाए। फिर बीच बीच में मेरे को मेरे भाई और मम्मी को भी देखने जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास सो ये मेरा गमछा है जो कि मैं ऐसे करके डबल करके बांध लेता हूँ, तभी मैं अपनी बेटी के साथ होता हूँ। और ये आप मानोगे सेफ्टी है, इसको मैं अभी तो खैर मैं बाहर नहीं जा रहा बिकॉज क्वारंटाइन हो चुके हैं हम लोग, घर के अंदर ही हैं। और ये मेरा वॉकी टॉकी है जो कि मैं अपनी रैली में यूज़ करता था, लेकिन इसका बहुत अच्छा यूज़ हो पा रहा है अभी बिकॉज मुझे मेरे भाई को और मम्मी को फ़ोन नहीं कर रहे हैं, अगर वो आसपास बैठे तो मैं उनको ऐसे इससे बात कर लेता हूँ, अल्फा टू चार्ली कमिंग। और एक्चुअली मैं ये जो इस ये वाला वॉकी टॉकी है इसका नाम अल्फा है, इसका जो सेम पेयर है उसका नाम चार्ली है, तो हम लोग इस पर कम्युनिकेट कर लेते हैं। हेलो सब ठीक है ना ऊपर? तो ऐसे करके हम लोग बात कर लेते हैं। और मैंने अपने लिए जो डेली सप्लाईज हैं जैसे दूध, ब्रेड जो मुझे चाहिए या पनीर चाहिए, वो सब मैंने सुपर डेयरी एक एप्लीकेशन है उसमें सब्सक्राइब कर दिया, वो लोग घर पे मॉर्निंग में जाके डिलीवरी कर देते हैं, ऊपर वालों का दूध हमारा दूध सबका एक साथ आ जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ मेन ये ध्यान रखना है कि आप मैं जैसे हम लोग मैं तो बच्चों के साथ, मेरी तो बच्ची है, तो आप जब भी उनके कॉन्टैक्ट में आते हो आप फुल प्रिकॉशन लेके उनके साथ रुक सकते हो। बड़े लोग होते हैं तो वो अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन छोटे लोग बच्चे नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपको आप कहीं जा नहीं सकते तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके घर में सारा सामान हो। जैसे मेरी बच्ची को कल मुझे मैगी चाहिए थी उसको, तो मैगी मेरे घर में नहीं थी, ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि घर में मैगी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मेरे जो नेबरहुड में लोग हैं वो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। मेरे नीचे एक फ्रेंड जा ही रहा था वो अपने ऑफिस, मैंने उसको बोला, वो मेरे लिए मैगी लेके आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट के जो है, दिल्ली गवर्नमेंट और MCD जो है वो भी प्रॉपर आप लोग ध्यान रखा हुआ है उन्होंने, वो आपकी गार्बेज पिक करने आते हैं, स्पेशल गार्बेज वैन आती है जो कि कोविड के घर से जो सामान गार्बेज जाता है उसको उठाती है। जो उन्होंने पोस्टर लगाया हमारे घर पे उस पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप कोई भी हेल्प के लिए उनको फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी हेल्प मीन्स लाइक कोई भी हेल्प, लाइक आपको कुछ सामान नहीं मंगाना है बाहर से बिकॉज आप जा नहीं सकते, तो वो अरेंज करके आपका सामान ले आएंगे, आपसे पैसे ले लेंगे। दूसरा ये है कि अभी आज सिर्फ तीसरा दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, मैं आपको बताऊँ कि क्या कैसा रहा है। मेरे घर में चार में से दो लोगों को बुखार आया था, दो को नहीं आया था। मेरी मम्मी को अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उनको थोड़ा बॉडी पेन है, और मेरी बेटी को जो है 2 दिन बुखार आया, तो ये सिम्टम है कि बुखार आते हैं। रनिंग नोज भी हुई, वो 2 दिन हमको बहुत मुश्किल से निकाले क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार था, लेकिन अभी वो ठीक है। अभी उसको फीवर नहीं आ रहा, हम उसे फीवर की मेडिसिन दे भी नहीं रहे हैं, हम उसको एक मल्टीविटामिन मेडिसिन दे रहे हैं, उसको एक सिरप दे रहे हैं, एक एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जो भी डॉक्टर ने D3 सिरप दिया है कुछ है, 2 दिन सिरप जो है बच्चे की मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। आप सिरप देख के बोलेंगे बच्चे को बहुत सारे सिरप पिला रहे, लेकिन क्या करें यार, एक मेफ्टाल है और ये PCM है कि बुखार अगर उसको हो जाए उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये कुछ है, ये एक मेडिसिन है D3 सिरप, ये एक मल्टीविटामिन सिरप है कुछ, और ये एक सस्पेंशन है, पैरासीटामोल है ये भी, और एक ये है वही D3 सिरप है ये। तो ये सब दवाइयाँ हम अपनी बच्ची को पिला रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसे डॉक्टर ने लिख के दिया है, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई तो है नहीं, लेकिन उसको फीवर उससे बचाने के लिए, उसको थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बच्ची है वो काढ़ा नहीं पीती है, वो लेमन जूस नहीं पीती है, वो मौसमी खा लेती है, वो दूध पी लेती है, शक्कर के साथ पी लेती है, हल्दी वाला दूध पी लेती है, काढ़ा नहीं पी सकती वो। बाकी वो खाना खा रही है, खाने का भी प्रॉपर ध्यान रखना है बच्चे का कि वो बच्चे खाना खाते रहें, इवन एडल्ट भी जो है वो खाना खाते रहें टाइम पे। और अब जैसे हम मैं और मेरी वाइफ को नहीं है, लेकिन हम लोगों को पूरा चांस है बिकॉज हम लोग कोविड पॉजिटिव के साथ हैं, तो हम लोग भी अपना ध्यान दे रहे हैं, जैसे काढ़ा पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, आलमंड खा रहे हैं, ओके। मौसमी है उसमें हम लोग जो डेली खा रहे हैं वो है कैरेट खा रहे हैं हम लोग, चुकंदर है, कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम है, बीन्स, एंड देन मौसमी, एंड देन व्हाट एल्स, देन जिंजर है, गार्लिक है, ये सब चीज़ हमारे खाने में है, अनियन है, डेली हम लोग ये खा रहे हैं, पनीर है, हम लोग कोई नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, पनीर है, कस हो सकता है नॉनवेज से दोबारा इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए ये है मेरी थिंकिंग, इसलिए हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। बाकी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि खाएं ना खाएं। और अभी तो आज तीसरा दिन है,
मेरी मेरे मेरे फादर और मेरे जो ब्रदर हैं उनको 9 तारीख को आइडेंटिफाई हुआ था, मेरी मदर को और मेरी बेटी को जो है 10 तारीख को आइडेंटिफाई हुआ था। और जैसे ही मुझे पता चला था तो मैंने अपने फ्रेंड लोगों को बता दिया, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाल दिया, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी डाल दिया। मैंने अपने सभी दोस्तों को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उनकी ब्लेसिंग्स मेरे को मिली, मुझे काफ़ी, मैं उन लोगों को काफ़ी थैंक यू करता हूँ। दूसरी बात, आपको छुपाना नहीं है, सबको बताना है कि आपके साथ ये हुआ है, बिकॉज आप नहीं बताओगे तो हो सकता है कोई प्लान करके आपसे मिलने आ जाए सरप्राइज विट देने, और आप पता चला आप कोविड में, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, आपको कोई जरूरत पड़ जाए कभी तो आपके फ्रेंड लोग ही आपके काम आएंगे, फैमिली रिलेटिव्स। तो फेसबुक और व्हाट्सएप सबसे अच्छा जरिया उनको बताने का कि आप बीमार हो गए हो, तब आप खुशी जाहिर कर सकते हो फेसबुक पे, तो आप अपना गम भी जाहिर कर सकते हो। कोई परेशानी भी हो तो अभी आपको फेसबुक यूज़ करना चाहिए। तो मेरे बहुत फ्रेंड लोगों ने मुझे कॉल किया, बहुत फ्रेंड लोगों ने मुझे ब्लेसिंग दी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और एक ही बात लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आप इस मास्क को कभी मत हटाइए, और जितने मास्क हो सके एक के ऊपर एक, डबल या ट्रिपल लेयर जो भी है वो आप पहनिए, और सफाई रखिए, जैसे डिसइंफेक्टेंट लगाइए, मॉप लगाइए घर पे, झाड़ू पोछा बच्चे के साथ या बड़े के साथ भी है, सफाई का ध्यान रखिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को। मैं तो अपने आप को सैनिटाइज से ऐसे नहला देता हूँ पूरा कभी कभी, और थूक के बाद में सैनिटाइजर ले आइए। लाइक मैं 20 20 लीटर ऑफ सैनिटाइजर मैं लेके आया हूँ फर्स्ट डे ही जब मेरे को पता चला कि पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आप बच्चों को रोको मत, बच्चों के साथ तो स्पेशली ये है कि आप जो बच्चा कर रहा है उसे करने दो। हाँ, उसको जो जो आप बता सकते हो, जैसे कि वो स्नीज करती है तो मैं बताता हूँ कि नहीं बेटा हाथ रखो, वो सब चीज़ समझाओ उनको। और मुझे लगता है कि अभी आज दूसरा दिन है, और 10 12 दिन है हमारे पास क्वारंटाइन के और बच्ची को ठीक करने के लिए, और हमको नेगेटिव ही रहने के लिए, हमको पॉजिटिव नहीं होना है, मैं और मेरी वाइफ को, तो हम लोग ये कर पाएंगे। और ये मेरा पहला वीडियो, आपको लगता है कि कुछ और भी कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो मैंने वेस्ट ऐसे ही बनाई है टाइम पास के लिए, तो ऐसा नहीं है, और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या दिखा सकता हूँ, क्या और बता सकता हूँ आपको डेली रूटीन में। मैं जानता हूँ कि मैंने ये वीडियो जो है पॉजिटिव होने के तीसरे दिन बना रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे लगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, वीडियो बना के लोगों को शेयर करो और फिर उनसे फीडबैक लो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा सजेशन आपको अच्छा लगे, आपको आपके लिए कोरोना में लड़ाई में हेल्पफुल हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।